मोटापा ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हाइपोथायराइड के पेशेंट्स को घेरा रहता है, और लोग यूजुअली थायरोक्सिन वगैरह खाते हैं, अल्ट्रोक्सिन खाते हैं, और उसके बाद भी उनका TSH लेवल तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जो उनका मोटापा आ गया शरीर में वो उनका कंट्रोल नहीं हो पाता या ये रिड्यूस नहीं हो पाता। तो आज का ये वीडियो उन्हीं पेशेंट्स के लिए है जो मोटापे का शिकार है हाइपोथायराइड होने की वजह से। सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर आभा भल्ला, और आज का ये वीडियो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन किया बहुत काम आएगा उन लोगों के लिए जो मोटापे से परेशान हैं, उनको थायराइड का प्रॉब्लम हो गया है। तो फ्रेंड्स, मेरे बारे में मैंने बहुत बार आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया है। मैं भिलाई में प्रैक्टिस करती हूँ, पिछले 15 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, और मेरे पास बहुत से थायराइड के पेशेंट्स हैं और वो काफ़ी परेशान रहते हैं मोटापे से, और जनरली मोटापा बढ़ने के बाद ही लोग आते हैं, चेक करवाते हैं कि उनको प्रॉब्लम क्या है, तब हम लोग रिकमेंड करते हैं, पता चलता है उनको हाइपोथायराइड है। तो मेडिसिंस देने से उनका थायराइड लेवल तो बैलेंस हो जाता है, लेकिन मोटापा रिड्यूस नहीं हो पाता है। तो आज आपको बहुत इफ़ेक्टिव और सिर्फ 2 मेडिसिंस बताने जा रही हूँ जो कि हर कोई ले सकता है ताकि उनका मोटापा कम हो सके, ठीक है। इसके अलावा कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं ही, मेरा पुराना वीडियो ज़रूर देखिए जो थायराइड को लेकर है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा। तो और साथ में मैंने एक ओबेसिटी के लिए भी वीडियो डाला था, उसको भी देखिए ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि क्या मेडिसिन लेनी है आपको उस समय पर ट्रीटमेंट करने के लिए। सिर्फ मोटापे को ही कंट्रोल नहीं करना, आपके थायराइड को भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ओके। सो चलिए अब जल्दी से मैं आपको वो दोनों मेडिसिन्स बता देती हूँ। फर्स्ट मेडिसिन इज़ फ्यूकस वेसिकुलोसिस, है ना, फ्यूकस वेस के नाम से मिलेगी, टिंचर फॉर्म में आपको लेना है, ओके। सेकेंड मेडिसिन इज़ फाइटोलक्का बेरी, ये भी टिंचर के फॉर्म में आपको लेना है, ओके। ये दोनों मेडिसिन्स को दिन में 2 से 3 बार आप 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर पी सकते हैं, ठीक है। खाने से पहले लीजिए इसको, और जो आप थायराइड का मेडिसिन ले रहे हैं उसको आप वैसे ही कंटिन्यू करते रहिए, आइदर होम्योपैथी और एलोपैथी या जो थेरेपेटिक डोजेस रहते हैं जो भी आप ले रहे हैं उसे आप कंटिन्यू करिए, और ये 2 मेडिसिन्स को लीजिए। अब इससे होगा क्या, इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने वाला है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो जो आपका खाना है बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा और फैट जो है बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होगा, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर इसका एक्शन है। फ्यूकस टोटली जो हाइपोथायराइड के पेशेंट ओबेस हो जाते हैं यानी मोटे हो जाते हैं उन्हीं के लिए होता है, और मैंने ऐड ऑन कर दिया है फाइटोलक्का बेरी क्योंकि मैंने कुछ पेशेंट्स में दिया उसको तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले, इसलिए आप लोगों को उसके बारे में बता रही हूँ, ओके। इसके अलावा आपको अपना डाइटरी रिस्ट्रिक्शन फॉलो तो करना ही है, पानी गुड अमाउंट में पीना है। जैसे कि आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे उसमें मैं पानी को लेके काफ़ी बात करती हूँ, डाइट को लेके काफ़ी बात करती हूँ। अपना हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखिए, गुड डाइट लीजिए, जंक फूड को अवॉइड कीजिए, और जैसा कि थायराइड पेशेंट्स को पहले से ही पता रहता है ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड की तरफ आप मत जाइए, क्रूसीफेरस फूड को मत लीजिए। तो थायराइड को लेके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप लोगों को मालूम ही होगा, आपके डॉक्टर ने आपको बताया ही होगा, और अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप पिछले वीडियो में डिटेल में उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये मेडिसिन आपके ज़रूर काम आएंगे। इसको लेके कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिर्फ 2 मेडिसिन से इसको लीजिए, और आप इसे 1-2 महीने तक ले सकते हैं, फिर उसके बाद आप इफ़ेक्ट उसका देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के काम आएगा, अगर आपके काम का नहीं है तो इसको आगे शेयर कीजिए ताकि लोगों को इससे फ़ायदा ज़रूर हो। मिलते हैं जल्दी है एक नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे फिट।